नागपुर शहर के मेडिकल अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेरहमी से अपने ही दो दिन के नवजात बेटे को जमीन पर पटक कर मारने का मामला मेडिकल कॉलेज में घटित हुआ है। दरअसल पत्नी के चरित्र पर संदेह करने को लेकर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ था। इस पूरी हरकत से पूरा मेडिकल प्रशासन सख्ती में है। फिलहाल आरोपी गिरीश महादेव गोंडा ने अमरावती निवासी को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। नागपुर शहर के मेडिकल अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना ने मेडिकल के चिकित्सक एवं मरीज के परिजनों में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पत्नी के चरित्र पर संदेह करने वाले पति ने अपने नवजात बेटे की फर्श पर पटक कर हत्या करने का प्रयास किया। आरोपी गिरीश गोंडा ने छोटे मोटे काम कर अपना गुजर बसर करता था। उसका प्रतीक्षा नामक युवती से प्रेम विवाह हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही गिरीश पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। वह हमेशा प्रतीक्षा से मारपीट भी किया करता था। आखिर गर्भवती होने पर 9 महीने के बाद प्रतीक्षा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मेडिकल के वार्ड नंबर 46 में प्रतीक्षा का उपचार चल रहा था। 2 दिन पहले ही प्रतीक्षा ने एक बेटे को जन्म दिया। शनिवार की शाम 6 बजे गिरीश मेडिकल आया। अपने पत्नी और नवजात बेटे का हालचाल जानने के लिए वार्ड में आते ही सबसे पहले गिरीश ने प्रतीक्षा के चरित्र पर संदेह किया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने प्रतीक्षा को तक घूसे मारा और साथ ही पत्नी के बगल में रखे 2 दिन के नवजात बेटे को उठाकर फर्श पर पटक दिया। नवजात के सिर पर गहरी चोट आई है। दरअसल अचानक इस घटना से वार्ड में हड़कंप मच गया। परिचारिका एवं अन्य लोग तत्काल मदद के लिए दौड़े। चिकित्सक भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नवजात को उपचार के लिए वार्ड क्रमांक 50 में भर्ती किया है। घटना का पता चलते ही अजनी पुलिस भी पहुंच गई। उसने प्रतीक्षा की मां जीवन कला मेश्राम की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का प्रयास एवं मारपीट का मामला दर्ज किया है। पोलीस स्टेशन अजनी येथे आम्ही गुन्हा रजिस्टर केलेला आहे 307 या बादवी अंतर्गत। तर घटना अशी आहे की जी फिर्यादी आहे ती फिर्यादी जीवनकला मेश्राम ही राहणार अमरावतीची आहे, अमरावती ग्रामीणची। आणि तिने अशी कंप्लेंट दिली की तिने आपल्या मुलीला जे नागपूर इथं डिलिव्हरी करता आणलेलं आणि एक बाळाला तिने जन्म दिला आणि त्या बाळाला तिच्या पतीने म्हणजे फिर्यादीच्या जावयाने 1 दिवसाच्या बाळाला जमिनीवर आपटून जीवानेशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। तर हकीकत या आम्ही त्यानुसार फिर्यादीनुसार आम्ही कंप्लेंट दाखल केली आणि 307 गुन्हा दाखल केला। यामध्ये हकीकत अशी आहे की हा जो आरोपी आहे, आरोपीचं नाव आहे गिरीश गोंडाने। हा जो आरोपी आहे तो आपल्या पत्नीवर संशय घेत होता आणि त्यानुसार त्यांचं भांडण पण झालं होतं। मग त्या भांडणामुळे तिला त्यांनी मारहाण केली आणि त्यानुसार तिला अमरावतीच इथे दाखल करण्यात आलं होतं मेडिकल दवाखान्यामध्ये आणि त्यानंतर तिथून तिला इथे नागपूरचे रेफर केलं। 3-9 महिन्याची तेव्हा प्रेग्नंट होती आणि ते हे जे मारण्याचं कारण आहे त्या मुलाला त्यांनी ज्या जीवनीशी ठार मारण्याचा प्रयत्न केला ते फक्त अनैतिक संबंध याच्या संशयावरूनच त्यांनी आपल्या बाळाला मारण्याचा प्रयत्न केला आहे। आम्ही त्या आरोपीला अटक केलेली आहे आणि PCR मध्ये सध्या तो आमचा आरोपी PCR मध्ये आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। बाळाची कंडिशन आम्ही आता त्याचं बाळाचं CT scan झालेलं आहे। डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार आता त्याचं जे आत्ता जरी त्याचे नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज दिसत असल्या बाळाच्या तरी पण 48 तास त्याला ऑब्झर्वेशनमध्ये ठेवलेलं आहे। NICU मध्ये आहे बाळ आणि त्या बाळाचं बहुतेक CT scan नंतर आपल्याला सर्जरी करायला लागेल असं प्राथमिक त्यांना असं दिसतं आहे। तर ते पुढे ठरवतील आणि आम्ही आता त्यांचा आढावा घेतच आहोत डॉक्टरांशी भेटून, तर त्यानुसार आम्हाला समजेल की बाळाची कंडिशन कशी आहे। गौरतलब रही कि दिन दहाड़े इस तरह की हरकतों से पूरा मेडिकल प्रशासन ही सकते में है। इस तरह मरीज के परिजन द्वारा वार्ड में घुसकर नवजात की हत्या का प्रयास किए जाने से मरीजों में भी दहशत निर्माण हुआ है। उन्होंने मेडिकल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करने की बात कही है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।